अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका भाई मिस्टर ऐश आ गया एक और नए ब्लॉग के साथ। तो आज का ब्लॉग हमारा दोबारा बिग चीज़ के ऊपर है, तो इधर से हम कुछ डिफरेंट न्यू ट्राई करते हैं। लो जी, चलते हैं अब अंदर की तरफ और देते हैं कुछ डिफरेंट ऑर्डर। तो अंदर आते ही हमने सेलेक्ट किया सब चीज़ बर्गर। तो भाई यहाँ पर लगा रहे हैं, सबसे पहले इन्होंने लगाई यहाँ पर ये इनकी केचप दोनों बंस की बेस के ऊपर, बर्गर के हेड के ऊपर। तो अब इन दोनों बर्गर के अंदर ऐड करेंगे इनकी कैबेज। कैबेज को ऐड करने के बाद ये इन पे अंदर ऐड करेंगे इनकी बनाई हुई स्पेशल सॉस, जो कि हमने बोला है और इसलिए उन्होंने ऐड की है। चीज़ भी ऐड करेंगे इसके साथ, तो इसलिए उन्होंने ये ऐड की। ये कौन सा चिकन है इसमें? ये टिक्का फ्लेवर। टिक्का फ्लेवर जी। और ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है, देखते हैं इसका क्या। अब इसमें चिकन टिक्का ऐड हो रहा है। रेगुलर मार्केट में ये मिलता है आपको, वो लंबे वाले में जी? सब बर्गर रेगुलर मार्केट में वही मिलता है जी। ये डिमांड पे अगर कोई कस्टमर कहते हैं ना, तो उनको फिर हम बना लेते हैं। ठीक है, ये इसमें चिकन ऐड हो गया जी। और डालेंगे ये चीज़ कौन सी है? ये कंपनी की है? हाँ जी, एडम्स वालों की है चीज़ स्लाइस। ये मेल्ट होगी अभी कि नहीं? हाँ जी, होगी, ओवन में होगी। लो जी, इन्होंने हमारे बर्गर रख दिए हैं ओवन के अंदर बेक होने के लिए। तो भाई से कुछ पूछते हैं इसके बाद। अच्छा भाई जान, इसको कितना टाइम लगेगा? तकरीबन 2 मिनट से देंगे चीज़ को मेल्ट करने के लिए। चिकन जो ऑलरेडी फ्रेश है और वो गर्म भी है इस वक्त। ओके, ठीक है। सिर्फ चीज़ को हम देंगे सिर्फ 1-1.5 मिनट देंगे, ताकि चीज़ थोड़ी सी मेल्ट हो जाए, क्योंकि चीज़ फ्री फ्रोज़न होती है ना, तो वो हार्ड होती है। उसको सिर्फ हम नरम करने के लिए ना, ताकि वो खाने के काबिल हो जाए। इतनी देर तक हम इसे ओवन में रखेंगे बस। लो जी, इसकी बर्गर की टॉप को बंद कर दिया भाई ने। अब यहाँ पर ये बिल्कुल रेडी हो गया। हाँ जी, बिल्कुल रेडी हो गया। हमारे बर्गर फाइनली रेडी होने के बाद इन्होंने प्लेट्स के अंदर रख दिए हैं सर्व करने के लिए। जी, हमें हमारे बर्गर सर्व कर दिए गए हैं। ये बर्गर का नेम बताऊँ तो ये सब बर्गर है। मैं अगेन रिपीट करूँगा, इन बर्गर का नाम है सब बर्गर। तो फर्स्ट टाइम मैं लाइफ के एक्सपीरियंस में ट्राई करने लगा हूँ, पहले नहीं मैंने ट्राई किए। नॉर्मली सब बर्गर जो सा होता है वो लॉन्ग में होता है, इधर जो सा ये गोल में है। तो इसमें बेसिकली सेम एज वो चिकन के पीसेस छोटे छोटे, और हमने इसको एक्स्ट्रा चीज़ बनाने के लिए इसको इसके चीज़ के स्लाइसेस मोजरेला चीज़ एडम की चीज़ सॉरी वो ऐड करवाई है। नॉर्मली इसके अंदर ये एडम की चीज़ नहीं होती, तो लेकिन हमने इसको जूसी बनाने के लिए इसके अंदर एडम की चीज़ ऐड करवाई है। ये साथ आ गई हमारी ड्यू। चलिए अपने बर्गर को शुरू करते हैं और इसका रिव्यू देते हैं। ये तो काफ़ी अच्छा है। लो जी, हमने अपना यहाँ पर बर्गर वगैरह बिल्कुल फिनिश कर लिया है। तो तुम्हारी थोड़ी सी कोल्ड ड्रिंक रह गई है, उसको भी फिनिश करते हैं। और यहाँ पर लो जी, अपना सारा कुछ हमने यहाँ पर फिनिश कर लिया फाइनली। अब यहाँ पर बिल वगैरह पे करते हैं और फिर भाई से थोड़ी सी बातचीत करते हैं और फिर यहाँ से निकलते हैं। जी, आज हमने ट्राई किया था सब चीज़ बर्गर। बेसिकली नाम उसका था सब बर्गर, तो हमने उसको अंदर चीज़ वगैरह ऐड करवाई उसको मज़ीद बेहतरीन टेस्ट देने के लिए। तो उसका नाम रख दिया सब चीज़ बर्गर। एंड देन अगर टेस्ट की बात करूँ, काफ़ी अच्छा था। आगे भी इधर से मेरे तीन से चार ब्लॉग पहले भी मेरे बने हुए हैं, तो मोस्टली जहाँ पर मेरे ज़्यादा ब्लॉग बने हुए हों, तो उसका मतलब यही है कि मैं वो चीज़ अच्छी लगती है, वहाँ पर चीज़ें अच्छी हैं। और उसके अलावा फिर मैं अगेन एंड अगेन उधर जाके रिपीट करके ब्लॉग वगैरह न्यू से न्यू आइटम ट्राई करता हूँ। अगर बात करूँ मैं बेसिकली बर्गर की, तो बर्गर भी काफ़ी अच्छा था। उसके अंदर जो सब बर्गर एज अ सेम तो यूज़ होता है, लेकिन उसके अलावा जब चीज़ ऐड करवाई है ना, तो उसका टेस्ट एक अलग हो गया और काफ़ी लोडेड करके भाई ने बर्गर बनाया। आज भाई का पहले भी मैंने वीडियो वगैरह ब्लॉग के अंदर आए हुए हैं, लेकिन उनका नेम वगैरह हमने नहीं पूछा और ना ही शॉप की एग्जैक्ट लोकेशन बताई है। तो आइए भाई से मिलते हैं, भाई का नाम से शेयर करो। सबसे पहले भाई नाम वगैरह बता दीजिए। जी, मेरा नाम वकार अहमद है। बेसिकली मैं तकरीबन 19 साल से मैं काम कर रहा हूँ इस फील्ड के अंदर। तो मुझे ये शॉप ओपन किए हुए तकरीबन 2 साल हो गए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा काम अच्छा जा रहा है।
इधर से पहले मैंने हेरिटेज में काम किया है चीमा साहब के पास, और 2008 में मैंने काम किया है ताज होटल में एज ए, जब मैं था हेरिटेज में तो एज ए शेफ़ हेड ऑफ डिपार्टमेंट के तौर पे काम किया, उधर जो पिज़्ज़ा वगैरह और स्वीट्स में तमाम आइटम्स जो वो मैं बनाता था, और जब मैं ताज होटल में था वहाँ पर मैंने जो है ना वो एज ए डिपार्टमेंट हेड ऑफ डिपार्टमेंट के तौर पे काम किया, उसमें मेरे पास बिस्किट वगैरह थे, केक रस वगैरह ये आइटम्स थी। और जब मैं मलेशिया गया हूँ, 6 साल मेरा एक्सपीरियंस जो है वो मलेशिया का है, वहाँ पर मैं गया हूँ, तो स्टार्ट में मैंने जब काम शुरू किया उधर पिज़्ज़ा थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन जो पाकिस्तान में रोलिंग आ रही है उसके हिसाब से मैंने फिर चेंज करके, तो मैंने अभी ये शॉप ओपन की, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा काम भी अच्छा जा रही है। इस्माइल भाई, हाशिम भाई हैं ये मेरे पास, तकरीबन 4-5 इनके विज़िट हो गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इनको टेस्ट अच्छा लगा, ये हमारी शॉप पे आ रहे हैं, तो इनका बहुत शुक्रिया भी है, और इन्होंने हमें गाइड किया कि मज़ीद आप किस चीज़ को डेवलपमेंट करें जो आपको ना इस शॉप की बेहतरी के लिए बनेगी, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम इनके इनको भी फॉलो कर रहे हैं, और जो हमारे कस्टमर हैं जितने भी हमारे कस्टमर हैं, हम पिज़्ज़ा देने के बाद उनसे मेन जो है हम पूछते हैं कि आप बताएं हमें इसमें क्या कमी है, और जो भी कमी होगी अल्हम्दुलिल्लाह इसको दूर करने की पूरी कोशिश करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह भाइयों का तामन हमारे साथ जारी है, और मज़ीद हम इसको जो है ना बेहतर से बेहतर बनाएंगे इंशाल्लाह। तो अभी ये भाई आए थे मेरे पास, इन्होंने सब बर्गर जो है ना वो बेसिकली 200 का हम सेल करें हैं, बहुत चीप प्राइस है, तो उन्होंने कहा हमें कुछ डिफरेंट बना कर दें, इसमें कुछ ऐड करें, तो फिर मैंने इसमें स्पेशल सॉस भी ऐड की है, और साथ में मैंने चीज़ ऐड करके दी है, जिसकी वजह से इनको ना बहुत डिशेज जो है ना इसका बर्गर का टेस्ट आया, और ये भाई ने बोला कि आप ना एक हमारे साथ वीडियो अपलोड करें जो हमें मज़ीद जो है ना हम दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि जो आपकी ये वाला बर्गर हमें पसंद आया और भी जो है ना कस्टमर आके आपके पास जो है ना ये बर्गर लाइक करें, तो मोस्ट वेलकम भाई का, भाई हमारे पास आए हैं, उन्होंने अच्छा हमारे साथ आउन किया, बहुत शुक्रिया, नेक्स्ट टाइम भी आते रहेंगे। जी करें भाई से बात। लो जी, जैसा कि मैंने भाई से नेम वगैरह और एड्रेस वगैरह का भी पूछा था, तो उन्होंने भाई ने साथ साथ अपना लाइफ एक्सपीरियंस जो इस फील्ड के रिलेटेड है उन्होंने सारा शेयर कर दिया, उन्होंने बैक का एक्सपीरियंस शेयर कर दिया कि जहाँ पर पहले प्रीवियस वर्क कर रहे थे, उन्होंने आउट ऑफ कंट्री का भी एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर किया, एंड देन बात करूँ यार इधर जो भी चीज़ होगी वैल्यू फॉर मनी होगी, और इंशाल्लाह उसका टेस्ट अच्छा ही होगा। मेरी कोशिश होती है कि मैं अच्छी से अच्छी चीज़ लेके आऊँ और वैल्यू फॉर मनी लेके आऊँ, ताकि सब लोग भी इजीली उसे मुहैया खा सकें। एंड देन शॉप का नेम मैं अगेन रिपीट करूँगा, बिग चीज़ गोदपुर रोड के ऊपर, ऑपोजिट एमसीबी बैंक, ऑपोजिट एमसीबी बैंक, पिज़्ज़ा एंड फास्ट फूड ऑपोजिट एमसीबी बैंक। तो आप आएँ, इंजॉय करें, इंशाल्लाह आपको बेहतर से बेहतर टेस्ट मिलेगा, गुड लक। इसके अलावा जो भी चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस में साथ साथ भाई के साथ शेयर करता रहता हूँ कि आज हमें ये चीज़ अच्छी लगी, इसमें अंदर आप इसके अंदर कुछ और ऐड कर सकते हैं या मज़ीद इसको बेहतर करने के लिए क्या कर सकते हैं, तो जो भी होता है हम इजीली शेयर कर देते हैं। इसमें कुछ भी नहीं है कि जी मैं अगर बोलूँगा कि यार ये नहीं अच्छा, तो वो कोई बात नहीं, एक एक्सपीरियंस वाइज शेयर करना चाहिए, ताकि कोई और दोस्त हमारे आएँ तो उनको एक बेस्ट एक्सपीरियंस मिले। हमने यहाँ पर पिज़्ज़ा वगैरह भी ट्राई किया है, उसके अलावा जिंगर बर्गर भी ट्राई किया है, सब चीज़ बर्गर भी ट्राई कर लिया है आज, इसके अलावा शवारमा वगैरह भी ट्राई किया है। तो जिस चीज़ में थोड़ी सी कुछ होती है ना कमी वगैरह या कुछ, तो वो भाई के साथ शेयर करते हैं और भाई उसको मज़ीद बेहतर कर लेते हैं। ऑलरेडी 3-4 ब्लॉग बने हैं, लेकिन हमें इस तरह का कोई ज़्यादा इतना मौका नहीं मिला, अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ हमें अच्छी ही मिली है, बाकी भाई हमारे साथ कॉम्प्रोमाइज़ भी अच्छा तरह करते हैं। टाइम हम आएंगे आपकी शॉप पर, तो मज़ीद डिफरेंट चीज़ जो है वो मज़ीद डिफरेंट भाई बोल रहे हैं कि हम उनको ट्राई करवाएंगे, तो उनसे भी अभी पूछ लेते हैं कि वो हमें मज़ीद डिफरेंट इसके अलावा नेक्स्ट टाइम क्या ट्राई करवाएंगे। ये अभी हमारे पास जो है ना वो पिज़्ज़े के अलावा हम चीज़ स्टिक बना रहे हैं, उसके भी नॉर्मल प्राइस है, अदरवाइज़ जो कस्टमर बनाते हैं ना चीज़ स्टिक वो जस्ट नॉर्मली जो है ना वो हल्का सा चिकन ऐड करके तो उसमें चीज़ डाल के देते हैं, हम उसके अंदर माइनस भी रियल की यूज़ करते हैं, और ऊपर भी हम चीज़ की जो है ना अच्छी लेयर बना के देते हैं, जिससे जो कस्टमर का टेस्ट है वो काफ़ी जो है ना वो हेल्दी भी हो जाता है, और वो लोडेड भी खाने में भी काफ़ी टेस्टी हो जाता है। और बात रही डोनर की, हर तरह हर जो पिज़्ज़ा शॉप वाले हैं उनका डोनर डिफरेंट तरीके से जो है ना वो तैयार होता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम जो तैयार कर रहे हैं हमने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बनाया, क्योंकि किसी भी जगह आप जाएंगे हर किसी की रेसिपी जो वो डिफरेंट होगी, क्योंकि कोई भी पिज़्ज़ा शॉप की रेसिपी सेम नहीं होगी, और अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि हमारे पास जो भी कस्टमर आए
वो हमारे जो है ना वो मयार के, हम उसके मयार के ऊपर पूरा उतरे हैं, वो हमारी चीज़ को लाइक करके जाए। तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश जारी रहेगी और आप भाइयों का तावन है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, भाई आए हमारे पास, मोस्ट वेलकम। और इंशाल्लाह आइंदा भी इनको हम बेहतर से बेहतर चीज़ बना के देंगे, ताकि ये हमारा जो इन्होंने चैनल बनाया इस पर हमारा भी एक नाम बने, हमारी भी कोशिश होगी कि हमारे जो गोरखपुर में जो भाई हैं हमारे पास आते हैं वो भी कमेंट्स करें भाई को, उनका चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जो है ना हमें इनका भी और तावन जो हमारे साथ चाह रहा है हमारा भी तावन कर मज़ीद आगे बढ़ा सकें। आप एक और चीज़ कर दीजिएगा, इनके साथ कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर दें ताकि जी। हमारा इस वक्त कॉन्टैक्ट नंबर जो है ना वो 0336-010-6827 ये व्हाट्सएप पे भी है और अदरवाइज लोकल कॉल भी इस पर होती है। भाई ने ये आपको बोल के बता दिया है कॉन्टैक्ट नंबर, इसके अलावा मैं वीडियो के अंदर लिख के भी मेंशन कर दूंगा, तो आपको जो भी चीज़ ऑर्डर करनी हो और इसके अलावा मेन्यू वगैरह ये सेंड करेंगे, उसके अंदर से जो भी चीज़ आप लाइक करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर न्यू भी ट्राई करना चाहते हैं, इसके अलावा कुछ एक्सपीरियंस भी शेयर करना चाहते हैं कुछ हट के कि ये हमें ट्राई करवा सकते हैं, तो भाई वो भी करेंगे इंशाल्लाह आपके साथ। तो आज हम यहाँ पर ही एंड करते हैं, भाई से निकलते हैं यहाँ से। ठीक, ओके। हैवी लोडेड बर्गर था जो उसके अंदर थी ये टिक्का पोटीज, वो मेरे बर्गर से यार बाहर आ रही थी। और बात करूँ टेस्ट की तो टेस्ट भी काफ़ी अच्छा था, चीज़ की वजह से काफ़ी अच्छा बन गया था। उम्मीद है आप लोगों को आज का व्लॉग काफ़ी अच्छा लगा होगा, तो आपका भाई मिस्टर हैश इजाज़त चाहता है, मिलते हैं नेक्स्ट किसी व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।